मुंबई फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस ट्रेन इंजन से अचानक धुआं निकलने से हड़कंप मच गया। पायलट ने तुरंत ट्रेन को रोका तो देखा कि गाड़ी का इंजन फेल हो गया है। घटना की जानकारी तत्काल रेलवे के अधिकारियों को दी गई। यह घटना सुबह 11:36 पर हुई और दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को 1:38 पर रवाना किया गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ और समय रहते ही पायलट को इंजन से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे गया और ट्रेन को वृंदावन इलाके के आजही गाँव के पास आउटर पर खड़ा कर दिया गया। हालांकि यात्रियों को 2 घंटे के करीब गर्मी का सामना करना पड़ा, लेकिन ट्रेन के इंजन से निकलते धुएं को देखकर एक बार तो यात्रियों हड़कंप मच गया था। जैसे ही रेलवे अधिकारियों को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल घटना स्थल पर दूसरा इंजन भेज दिया और मुंबई फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि मुंबई फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस मुंबई से दिल्ली की तरफ जा रही थी, तभी वृंदावन के आजही इलाके में अचानक ट्रेन के इंजन से धुआं निकलने लगा और ट्रेन के चालक ने ट्रेन को वहीं रोक लिया। यह घटना मुंबई से दिल्ली जाते वक्त वृंदावन इलाके में हुई। पूरे मामले पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार यह पता चला कि इंजन में तकनीकी खराबी आ गई थी जिससे इंजन फेल हो गया और उससे धुआं उठने लगा। 2 घंटे बाद ट्रेन को दूसरा इंजन लगाकर सकुशल रवाना कर दिया गया। मथुरा से डीडी शर्मा की रिपोर्ट। भैया मेरा नाम कृष्णा भाई। अभी आप कहां से कहां जा रहे थे? भाई मैं मथुरा से परवल जा रहा था, जैसे जी जनता एक्सप्रेस। क्या हुआ, कितनी देर से ये? 3 घंटा आएगा, 9:30 बजे गाड़ी आने का टाइम था, जी आई है, 11 बजे गाड़ी आई है, उसके बाद भी गाड़ी धक्के धक्के खा के चल रही है, चली ना रही है। बताया जा रहा है इंजन में से धुआं निकला था, इसके मारे ये रुकी हुई है। इंजन में काई प्रॉब्लम है, चली ना रही है, सिग्नल मिल नहीं रहा है और गाड़ी वैसे प्रॉब्लम आ रही थी। क्या करा तो आप जहाँ जा रहे थे वो काम भी आपका फेल हो गया? वो सब फेल है, ड्यूटी भी करनी, ड्यूटी भी फेल है भाई।